या किसी समय के दिन बढ़े तो किसी समय की रात। समय बड़ा अनमोल होता है और समय का ही सारा संसार में खेल है। सजनों, आज जिनके नाम का ये भंडारा किया जा रहा है, जिनके नाम से मेला भराया जा रहा है और जिनके नाम से हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, उसी महाराज भर्तृहरि जी की कथा आप लोगों के सामने पेश है। और इस कथा के अंदर बीच बीच में चुटकुले, डायलॉग, भजन भाव आप लोगों को मिलते रहेंगे। ये बात सजनों बताया जाता है कि सर्वप्रथम इस नाथ समाज में हुए हैं बाबा जलंधर नाथ जी, उनके बाद में बाबा मच्छेंद्र नाथ जी, मच्छेंद्र नाथ जी के शिष्य बाबा गोरखनाथ जी और गोरखनाथ जी के शिष्य भर्तृहरिनाथ जी। उज्जैन शहर के अंदर राजा भर्तृहरिराज किया करते थे और जिनके जो महारानी थी, जिस रानी का नाम था पिंगला। और सजनों, पिंगला एक ऐसी पतिव्रता स्त्री थी, ऐसी पतिव्रत धर्म को धारण करने वाली स्त्री थी कि जब तक अपने पति के दर्शन नहीं कर लेती, भोजन नहीं किया करती। अहंकार सती जिसे कहते हैं, वो सती पिंगला थी। लेकिन आप सब कहेंगे कि जब पिंगला इतनी बड़ी पतिव्रता थी तो उसने सहीस के साथ में यारा ना क्यों किया? इसका एक बहुत बड़ा कारण है। पहले आपको थोड़ा सा 2-4 मिनट का समय लगेगा, बता देता हूं कि कारण क्या था। एक समय महाराज भर्तृहरि और पिंगला दोनों रथ के अंदर सवार होकर के वनखंड का भ्रमण करने के लिए गए थे, वनखंड की सैर करने के लिए गए थे। और सैर करते करते रानी पिंगला को प्यास लगी तो रानी पिंगला ने महाराज भर्तृहरि से कहा कि प्रभु प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। राजा भर्तृहरि पानी लेने के लिए चले जाते हैं और काफी देर के बाद में जब पानी लेकर के आए तो पिंगला ने यूं ही सवाल कर दिया कि महाराज आपने तो बहुत देर लगा दी पानी लेने में, इतनी देर कैसे लगी? भर्तृहरि कहने लगे कि पिंगला मैं पानी बहुत जल्दी लेकर के आ जाता, लेकिन रास्ते में एक सती हो रही थी, उस सती को देखने लग गया, सती का नाम लिया। तो पिंगला ने भर्तृहरि से सवाल कर दिया कि महाराज सती 3 प्रकार की होती है, आपने कौन सी सती देखी? तो राजा भर्तृहरि ने जवाब देने के बजाय पिंगला से कहा कि तू भी तो बता, तू कौन सी सती है, और पहले यह बता सती 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है। पिंगला कहने लगी महाराज पहली सती होती है अहंकार सती। अहंकार सती का मतलब है कि पति मरने की खबर सुन ले है और है के साथ में प्राण निकल जाए, वह अहंकार सती होती है। क्या बात है। दूसरी सती होती है जो पति के शरीर के साथ में जड़ जाती है, पति के साथ में उसे चिता के अंदर बैठ करके अपने प्राण दे देती है, वो भी सती होती है। और तीसरी सती होती है शील सती। शील सती होती है वो कि पति खत्म हो जाए और पति के छोटे छोटे लालन बच्चों का लालन पालन करे, पति की वंश बेल को बढ़ाए और अपने धर्म कर्म पर रहकर के पूरी जिंदगी व्यतीत कर दे, वो शील सती होती है। राजा भर्तृहरि कहने लगे रानी ये 3 सतियां तो मुझे समझ में आ गई, ये 3 सतियां समझ में आ गई, लेकिन तू कौन सी सती है, तू अपने बारे में बता। पिंगला कहने लगी महाराज मैं हूं अहंकार सती। और अहंकार सती का मतलब आपको मैंने बता दिया कि पति मरने की खबर सुनते ही प्राण निकल जाए, वह अहंकार सती होती है। सजनों उसी समय राजा भर्तृहरि ने अपने मन में प्रतिज्ञा कर ली, सोच लिया कि इस रानी को परखना है, देखना है कि वास्तव में ही अहंकार सती है या मेरे को मूर्ख बना रही। वापस आ जाते हैं और काफी दिनों के बाद एक रोज राजा भर्तृहरि शेर की शिकार का बहाना लेकर के बनखंड के अंदर जाते हैं। बनखंड में जाकर के एक मृग को मारते हैं, उस मृग के खून में अपने कपड़े रंग दिए, नौकर को दे दिए और कहने लगा जा महल के अंदर जाकर के रानी पिंगला को कह देना कि राजा भर्तृहरि को शेर खा गया है। नौकर हुक्म का ताबेदार, वो उस खून के सने हुए कपड़े लेकर के महल में आया और झूठ मूठ का रोना रोने लग गया। एक तो सच्चा दिल तो रोवे, मन की आत्मा तो सच्चे दुख से रोवे, एक आंखें के थूक लगा के रोवे, फर्क तो है। नौकर रोने लगा, दुहाई मारने लगा। रानी पिंगला अटारी खोल करके नीचे देखती, कहने लगी क्यों शोर कर रहा है, क्या बात है?
नौकर ने कपड़े दिखाए, महारानी राजा भर्तृहरि को शेर खा गया, राजा खत्म हो गया। सजनों रानी ने पहली बात तो उस नौकर का रोना सुन लिया था। फिर रानी के पास एक बार शंकर भगवान ब्राह्मण के भेष में आकर के और एक पोप का फूल देकर के गए थे और बताया था कि बेटी जिस जब तक तेरा सुहाग रहेगा ये फूल खिला हुआ रहेगा और जिस दिन तेरा सुहाग खत्म हो जाएगा ये फूल भी मुरझा जाएगा। वाह। रानी झटपट दौड़ करके अपने पूजा घर में जाती है और जाकर के भोलेनाथ का ध्यान लगा करके फूल को देखा तो फूल बिल्कुल खिला हुआ था। रानी समझ गई कि राजा तो जिंदा है लेकिन मेरी परीक्षा ली जा रही और आज यदि मैं खत्म नहीं हुई तो राजा भर्तृहरि का मेरे ऊपर से विश्वास उठ जाएगा और सदा सदा के लिए मेरे को पतिव्रता नहीं मानेगा। इसलिए रानी अपने महल की छत पर चढ़ी और छत से कूद करके अपने प्राण त्याग दिए। रानी खत्म हो जाती है। जो ही राजा वापस नगरी में आए पूरी नगरी के अंदर हाहाकार मचा हुआ था, पूरी शहर के अंदर दुहाई मच रही थी। राजा भर्तृहरि जाकर के उस पिंगला की लाश को देखते हैं। राजा बड़ा पश्चाताप करते हैं कि भगवान ऐसी बड़ी पतिव्रता स्त्री की परीक्षा मैंने लेकर के बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन अब क्या हो, राजा रुदन करता है। उसी समय गुरु गोरखनाथ जी आ जाते हैं और राजा से कहते हैं कि राजा क्यों रो रहे हो। कहने लगा महाराज मेरी रानी खत्म हो गई और इस पिंगला के बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता। सजनों गोरखनाथ जी के हाथ में कमंडल था, उस कमंडल को धरती में देकर के मारा, कमंडल को फोड़ दिया। अब राजा भर्तृहरि बैठा बैठा करे हाय मेरी पिंगला, हाय मेरी पिंगला, और गोरखनाथ जी करे हाय मेरी तुम भी, हाय मेरी तुम भी। राजा बोले रे मोडा तू क्यों करे है नहीं, बोले तू क्यों करे है नहीं, बोले मेरी तो लुगाई मर गई, बोले मेरी ना तुम भी फूट गई। राजा भर्तृहरि अहंकार में आकर के कहने लगे कि बाबा जी तेरी तुम भी 360 बना दूं। गोरखनाथ जी बोला तेरी पिंगला भी 360 बना दूं। बोला पहले मेरी तुम भी बना, बोले पहले मेरी रानी बना, बोले पहले मेरी तुम भी बना। राजा साधु के सामने झुक जाते हैं और अपने राज्य के जितने भी कारीगर जितने भी मिस्त्री थे सबको बुलाते हैं। सारे मिस्त्री प्रयास करते हैं लेकिन कोई भी कारीगर ऐसा नहीं हुआ जो गोरखनाथ जी की तुम भी यूं का क्यों बना दो। राजा हार मान लेता है और गोरखनाथ जी के चरणों में पड़ जाता है। कहने लगा महाराज आपकी तुम भी तो मैं नहीं बना सकता लेकिन प्रभु मेरी पिंगला बनाओ, यदि पिंगला मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। गोरखनाथ जी महाराज अपने कमंडल से जल लेते हैं और प्राण गायत्री पढ़ करके उस पिंगला की लाश पे वो पानी मारते हैं। बताया जाता है कि गुरु गोरखनाथ जी की माया से उस एक पिंगला की जगह 360 पिंगला खड़ी होगी। गोरखनाथ जी कहने लगे राजा भर्तृहरि खड़े हो, ये 360 पिंगला खड़ी हैं, इन मां से जो तेरी सेवा तो छांट ले और बाकी 369 छोड़ दे। 369 मां से एक छांटने के बाद मोर गांव में बैठ दे। सजनो राजा भर्तृहरि को समझ में नहीं आया कि मेरी पिंगला कौन सी है, क्योंकि एक रंग एक रूप एक बाल का फर्क नहीं। राजा आंख बंद करता है और आंख बंद करके एक पिंगला का हाथ पकड़ लिया कि महाराज मेरी तो यास ले जा। वो जो पिंगला आई वो नकली थी, वो जो पिंगला आई वो नकली थी, और वो नकली भी क्या थी कथा के लास्ट में आपको बताएंगे कि वो पिंगला क्या थी। महल में ले आते हैं और एक रोज वो पिंगला अपनी दासी को भेजती है कि जाओ दासी अपने घोड़ों की जो देख रेख करता है, घोड़ों का जो पहरवान है वो पैठवान है, उस पैठवान को मेरे महल में बुला करके लाओ। सजनों दासी उस घोड़ों के पैठवान के पास में जाती है और रानी पिंगला के पास में उस पैठवान को लेकर के आती है। पिंगला और पैठवान की क्या बातें होती हैं, बातों बातों के अंदर बवाल हो जाता है, क्या कुछ होता है, यहीं से आपको एक कथा ये इतिहास आप लोगों की सेवा में पेश करते हैं। और इतिहास पेश करने से पहले एक मिनट, ये ग्राम ढाकोड़ा से सरपंच साहब श्रीमान दाताराम जी, राम स्वरूप जी ढाकोड़ा से, तेजाराम जी लंबड़दार साहब ढाकोड़ा से, ये जगदीश जी पटवारी जी नारण से, खम्मा राम जी रावत नारण से, प्रकाश जी रावत नारण से, प्रसादी लाल जी योगी नारण से, सुवाराम जी धाणी सांगावाड़ी
धानी संगावाली देवकरण जी नान से, भानी साई जी रावत नान से और माड़ू राम जी रावत नान से, इन सभी सज्जनों की ओर से आज इस भंडारे के लिए, इस मेले के लिए, इस कार्यक्रम के लिए बाबा के मंदिर में इस भंडारे के अंदर 1100 रुपए अर्पण करते हैं। इन सभी सज्जनों का बहुत बहुत धन्यवाद, ये बहुत बहुत धन्यवाद। से बोलिए भर्तृनाथ जी महाराज की जय हो, बोलिए बाबा गोपाल दास जी महाराज की जय हो, बोलिए बाबा राम नरेश दास जी महाराज की जय हो, और बोलिए संतों के दरबार की जय हो, बोलिए श्री गौ माता की, बोल बहु माता की। या बहु माता की जय कौन सी होने लग गई? तो गौ माता की जय कौन सी होने? गौ माता की जय तो सदा से होती आई, दया बहु माता की भी सदा ही से होती आई। सदा से कैसी होती आई? बात सुने, सुना। देवताओं ने और राक्षसों ने मिलकर के जब समुद्र का मंथन किया तो दूसरे नंबर पे गौ माता लिखड़ी थी, यार या बहु माता लिखड़ी फर्स्ट में, गौ माता दूसरा नंबर में, बहु माता फर्स्ट में। अच्छा, बहु माता पहले लिखड़ी। सुन ले, गौ के शरीर में तो 33 कोटि देवता वास करते हैं। अरे बहु माता का शरीर में 66 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। तेरा रांगली लगा उठे गुणी गुण फक, तेरा घर की बात से चाहे कितना डबल कर ले, है क्या रग रग में देव। और सुन, आज तो जमाना बदल गया भाई, मशीन का जमाना है, वरना एक जमाना था कि किसानों का साथी हुआ करता बैल, बैल जिन बैल से हम हल चलाया करते, उस बैल से खेती क्यारी किया करते, वो प्यारे प्यारे बैल, वो बछड़े, वो नारे उस गौ माता से मिला करते जिनसे हम हल चलाया करते। गौ माता से बछड़ा मिले? जी हाँ। अरे बहु माता से ये देखिए बैठा डेला का सपाया। अच्छा, ये बहु माता से पैदा हुआ। अच्छा, अगर ये बहु माता नहीं होती, ये बहु माता के लाल नहीं होते, ये बहु माता के लाल नहीं होते तो उस लड़का थंत्रो फूफो पकड़े। बात तो तेरी बिल्कुल ठीक से। हाँ, क्या कुछ होता है सुनिए। तेरे दरबार में बाबा खुशी मिलती है, जिंदगी मिलती है, रोतो को हंसी मिलती है, दरबार में बाबा। दासी महाराणी जय प्रणाम। हराम जाती हरदम पड़ी रहती है, और क्या करूं, कुछ काम तो नहीं। आज मेरा दिल बड़ा उदास है। हाँ, बड़ी बेचैनी है। तुम जाओ और सईस को बुला कर लाओ मेरे पास में। अरे महाराणी, ये क्या बोल रही हो आप? क्या हो गया? आप किससे बातें कर रही हो? तेरे से कर रही हूँ। ओ घोड़े की नहीं, ठाकरे से। अरे पागल, तेरे को बुला के लाना है। ठीक है, बुला लाऊंगी। हाँ जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, बकवास मत किया करो वरना घोड़े मार मार के खाल उड़ा दूंगी तेरी। दरोगा साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार, कौन बोल रहे? मैं बांदी। अच्छा बांदी जी, क्या काम है? कौन है बांद्री? अरे बांद्री नहीं तो मैं हूँ दासी। निर्नावासी है तो रोटी खा ले, नहीं भंडारा मुझे मिले। निर्नावासी भी नहीं तो मैं हूँ नौकरानी। एक एक सा पैर कोने पड़े तेरी नौ करना शुरू कर दिया। अरे अंदर की बार और भीतर की बार खबर, अंदर की खबर बाहर, बाहर की खबर अंदर। फिर तू तो सुश्री चुगलखोर से। चुगलखोर कौन है? मैं तो समाचार लेके आई हूँ। क्या समाचार है? महारानी ने याद किया है आपको। ओह, रानी पिंगला ने याद जी किया? हाँ तो बहुत दिन में याद किया। बहुत दिन में? हाँ पहले भी याद किया है। अरे ये बात कर रही, चल मार कपड़ा चेंज कर। महारानी जय प्रणाम। भाई मन ही मन में सोच क्या, अरे देर जरा सी ना करी, रानी के धोर पहुंच गया। देखो दासी जी, आप गेट पे पहरा लगाओ और देखना कोई अंदर नहीं आने पाए। ठीक है,
नमस्कार नमस्कार नमस्कार, क्या हाल है? देखिए रानी साहब, हाँ आपने क्यों बुलाया है? मैं तो घोड़ों की देख रेख कर रहा था, एक घोड़ा ब्यागा, मैं उसका दूध काट रहा। वाह 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 वाह, क्या बात है, आप तो घोड़ा भी ब्याह देते हो। क्या करें, ये समय है साग है। घोड़ी ब्याती है? अच्छा घोड़ी ब्याती है, आप तो बहुत समझदार लगते हो, मगर कभी कभी क्या मालूम पागल जैसी बातें करते हो। क्या करूं, मैं तो घोड़ों की देख रेख कर रहा हूं। और आज तो मेरा वैसे ही जी बेचैन हो रहा है। जो हो रहा है, क्या कारण है? देखिए कुछ तो मौसम भी ऐसा है, अभी कूलर की भी व्यवस्था नहीं हुई है। अच्छा, और देखिए आज चौपट चार खेलते हैं। देखिए रानी साहब, आप राजा की रानी हैं। हाँ, और मेरा और तेरा मेल नहीं है, मैं चौपट चार नहीं खेल सकता। आपको घबराने की कोई बात नहीं है, मैं यहाँ की रानी हूँ, मेरी इजाजत के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता मेरे महल में। रानी, ये काम करने वाले हैं उनका परिंदा है, परिंदा नहीं, उनके फांसी टूटी। सुनिए मेरी बात जरा। सुना। हेलो, ओ आइए आइए मन चौपड़ सार खिलाइए, ओ मिलाइए हाथ हाथ में, तो खाओ जाना कदरे मेरे साथ में। आइए आइए ओ मन चौपड़ सार खिलाइए, ओ मिलाइए हाथ हाथ में, तो खाओ जाना कदरे मेरे साथ में। खिलाइए मिलाइए हाथ हाथ में, धोखा हो जाना कदे मेरे साथ साथ में। सुनिए, ओ धोखा नहीं तन कहूं मैं सही तन, ओ सच्चा दिल से प्यार करूं, इसके बीमारी हो बड़ी भारी, हो मैं कैसे इतने बार करूं, हो करूं सुवादा गलत इरादा, हो करूं सुवादा गलत इरादा, तू ज्यादा घबरावे चावे रानी, ओ तेरी मीठी मीठी बाणी ओ चाटी करे गात में, ओ रहना चाहूं सुमे अपनी ओ खात में। आइए आइए मन चौपड़ सार खिलाइए, मिलाइए हाथ हाथ में, धोखा हो जाना कदे मेरे साथ में। दुर्दरगा से चली आ रही है, ये कोई नई बात नहीं है। अरे किसी दुर्दरगा तो तैयारी है, दुर्दरगा देखी है, तू मेरी टाइट फुड़वा के माने। सुनिए मेरी बात, ओ इश्क मोहब्बत प्यार दोस्ती, ओ दुर्दरगा ते चली आई
हाथ में थप्पड़ हो गया राजा हीरे की हाथ में आए रे आइए आइए मन चौपड़ सार खिलाइए हो मिलाइए हाथ हाथ में धोखा हो जाना कदेरे मुल्ला नंद में मर गए हैं रावण कुंभकर्ण भीष्म अच्छा मर गया हूं बिल्कुल मेरे कुटुंब परिवार मेरे बच्चे और नारी मर बात कटे मरी जानी तू ओ नेम करा ले वचन भरा ले मन बढ़ा ले रानी तू कद कहानी कर दे दिल राजी कर दे कद कहानी कर दे राजी कर दे स्वास चंद चंद धर दे रच दे माया ओ शरण तेरी आया दया सूत्र चुरात में नरसी दाना भूलू ना एक चार में आइए आइए हो मिलाइए हाथ हाथ में धोखा हो जाना करे मेरे साथ में रैनी साहब कहिए कुटुंब परिवार बच्चे और मेरे नार मरवा दे कदम मर जानी तू नेम करा ले वचन भरा ले मन बना ले रानी तू कहानी कर दे दिल राजी कर दे सुभाष चंद छंद धर दे रच दे माया शरण तेरी आया दया सुब्रजु नाथ में और नरसी राणा भूलू ना एक साथ में रानी हाँ ये कारोबार तेरा अच्छा तो आए थो ना देखिए अर हाँ अर नहीं तो लोगों देखो ये तो सौदाय से होती आई से एक क्यों इश्क मोहब्बत प्यार दोस्ती सदा से होती आई कि ना सदाई से यह सृष्टि रची जब से होती आई देखिए आज मेरा चौपड़शार खेलने का मन है मन चौपड़शार हाँ तो रानी क्या बोल चौपड़शार फिर शर्त कर ले तू जीतगी हाँ और मैं तने जीत गो फिर तो मैं तने एक मिनट माइक की आवाज ज्यादा तो लग रही बैठी सा चौपड़ खेलने की बोल रानी हाँ अगर मैं तेरे को जीत गया अच्छा तो तने घोड़ी बनाऊंगा अच्छा और मैं जीत गई तब तू बता मुर्गो बनाऊंगी यहाँ पे भाई मुर्गो जरूर बनाए दिए पर देख अंडा को ना दूं पागल मुर्गा भी अंडा देता है नहीं कदे देख ले अच्छा आ सुन ले हाँ और तने भैंस बना दी तो पागल चाल चलो अपनी ठीक है 10 किलो दूध देगी पड़ोसी छा ले जाऊंगा टाबर दूध खा लेगा रोटी चौपड़ के खा लेगा हाँ अपनी चाल चलो इधर ले रणी पिंगला और सईस दोनों महल के अंदर चौपड़ खेल रहे हैं ये कर्ण तीन और इधर से वो विक्रम 25 छोटा विक्रम स्कूल से पढ़ करके आ जाता है और महल के दरवाजे पर आकर के अपनी भाभी को आवाज लगाता है दोनों के अंदर क्या हरकत होती है सुनिए भाभी रानी छह आजास्तर तो भाभी दरवाजा खोलिए अगला मोटा पड़े तेरा पास सुनिए विक्रम की आवाज भाभी दरवाजा खोलिए अच्छा अच्छा तो विक्रम की आवाज लग रही तो मना लखो दासी अरे मना लखो पागल अरे धर्मशाला बन रही है आ जल्दी कर जी महारानी तुम्हारा तो वास्तव में दिमाग तेल गया है बोलिए देखिए आप एक काम करो इन्हें तहखाने में छुपा दो तहखाने में छुपा दो बिल्कुल नाटी नहीं थी मैं तेरे हाथ पकड़ के ले जाओ ना ये अरे अरे तम रुक जा मैंने कच्छा बांध दिया कच्छा तो अड़े भाई देता खाना भाई भाभी हाँ कहो विक्रम भाभी मैं आपको प्रणाम करता हूँ आयुष्मान रहो आज बहुत जल्दी छुट्टी हो गई क्या चक्कर है छुट्टी हाँ आज देखिए आज इतना ही काम था स्कूल में जल्दी आना पड़ा
लेकिन मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या क्या अपने महल में भाई साहब आए हुए हैं? नहीं नहीं, महल में तो मैं अकेली हूँ। अकेली? हाँ, लेकिन आपके साथ में तो किसी मर्द की आवाज आ रही थी। मर्द की? हाँ। नहीं नहीं, महल में तो कोई भी नहीं है मेरे सिवाय। नहीं नहीं भाभी, मैंने कानों से सुनी है कि किसी मर्द की आवाज आ रही थी। अच्छा, आवाज सुनी है? हाँ। वो तो मैं एक नवल पढ़ रही थी। अच्छा, तो उसमें एक जनाना पात्र था, एक मर्दाना पात्र था जी। तो जनाना पात्र तो मैं बोल लेती हूँ। हाँ। लेकिन मर्दाने पात्र की आवाज काटने बोलने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, मर्दानी आवाज काटने की कोशिश कर रही थी। बिल्कुल। अच्छा, तो वो नवल कहाँ है? ओ नवल का तो पन्ना पैठ लिया भाई। देखिए भाभी, आप झूठ मत बोलिए। नहीं नहीं विक्रम, खाना पहले भी मैंने किसी मर्द की आवाज सुनी थी आपके महल में। ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारा आज भी आवाज सुनी है और आप मना कर रही हैं। विक्रम तू खाना खा ले, ये तेरा बहम है। सुनी मेरी बात? हेलो हेलो हेलो, दो मिनट। हेरे कौन महल में आया भाभी? हो कौन महल में आया भाभी? हो सांच बताइए तू। हो कोई भी नहीं रे विक्रम, कोई भी नहीं था। ओ, 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 कौन महल में आया भाभी? सांस बताइए तू। देखिए भाभी, आप मुझे बता दीजिए। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं था विक्रम में, खाना खाइए तू। बताइए तू। और कोई भी नहीं विक्रम, खाना खाइए तू। कैसी बेकी बेकी बातें कर रहा है? कैसी बातें आप कर रही हैं? जब मैंने अपने कानों से आवाज सुनी है, तेरा और दिमाग खराब हो गया। कोई नहीं आया है। सुनिए नंबर। हो तेरे महल में हो गैर मर्द की मन सुन रही थी आवाज। तेरे के खा राखी ओ भाग बता के नशा करा तन आ। फिर नशा नहीं मैं उस मानस का, ओ पूछा चामूरा। ओ जान गई तू बिगड़ गया, तेरे शर्म रही लाला। मर्द का के काज महल में, हो गैर मर्द का के काज महल में, मन नू समझाइए तू। हो इस पतिव्रता पिंगला रानी का मत दोष लगाइए तू। भाभी, जब कुछ देर पहले मैंने आवाज सुनी है, लेकिन वो इंसान नजर नहीं आ रहा है, कहाँ गया वो? देख ले, ये तेरा बहम है। और ज्यादा बकवास करेगा विक्रम तो पिट के जाएगा तू यहाँ से। नहीं भाभी, बहुत देर होगी तेरे को। आप मेरा सर तार दो, लेकिन
मैंने जो सुना है देखा है वही मैं कह रहा हूँ। बहुत ज्यादा बोलने लग गया है। के खा गया यो महल पता के या धरती चाट की हो पक्का उते हो या बिक्रम मन मालम पाट की हो पक्का उते हो या बिक्रम मन मालम पाट दी तू छोड़े के माँ नाटगी अभी छोड़े के माँ कुछ तो सर मैये तू मन मन में अग्नि हो लागे बिक्रम मत जी बचल परेशानी क्यों हो रही है? आपके तो पसीने भी आ रहे हैं। ये तो गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। नहीं नहीं आपके चेहरे पे मुझे चिंता नजर आ रही है। नहीं नहीं कोई चिंता की बात नहीं। वे महिला के माँ इधर उधर तर तर करती डाले मेरे छाती के माँ ओ गाहो बिक्रम मत ऊक चूक बोले मन सोबे खेती हो पता कौन था तू भेद नहीं खोले हो चल निकल महल ते हो बाहर जले मत काल जा छोले हो निकल महल ते बाहर मेरा मत काल जा छोले और अभी मेरा भाई सत्य धर्म तो ले मेरा भाई सत्य धर्म तो ले मत कपट कमाइए तू मेरे बंद करिए बकवास नास गए होश में आइए तू। जब बात है मुझे बताइए आपको पता है कि हम सती राजपूत हैं। बताइए ये मांगे राम जी सरपंच साहब 100 रुपए से अपनी बच्चों को अपनी पार्टी का मान सम्मान करते हैं और ये ढाकोड़ा से सरपंच साहब दाता राम जी वो भी 200 रुपए से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं और ये हमारे पटवारी जी जगदीश जी वो भी 100 रुपए से अपने बच्चों को मान सम्मान आशीर्वाद देते हैं। अब आशीर्वाद तो हम ही चाहते हैं और नान गान तो बहुत बढ़िया गाँव है। बहुत नान तो मशहूर गाँव है बिल्कुल। अरे ढाकोड़ो सुनिए नंबर आखिरी बात भाभी क्या कहना चाहता है विक्रम तेरे आख्या देखी और काना सुनी क्यों तू झूठी कर रही से तेरे देशा के बदमाश नियत तो ओ तेरी
सोच के पिंगला डरी से वो दुनिया भगती ते तररी से दुनिया भगती ते तररी से दुनिया भगती ते तररी से गुरु सेवा थाइए तू ओ सुहास चंद्र में मर जाऊंगी मत ओ जीव चलाइए तू भाभी आंखें देखी काना सुनी की झूठी कर रही से देसा के बदमाश नियत तो तेरी फिर रही से तेरे नेत्र हो रहे लाल बता क्यों छो में भर रही से सती के लागे दोष सोच के या पिंगला डरी से अच्छा हाँ लेकिन भाभी आपको पता है नहीं भाई सती का सती लगाओ तो झाड़ता हो सती कितना बड़ा शब्द है देखिए इन बातों को छोड़ विक्रम तेरे को खाना खाना देखिए भाभी तो मैं पूछ के रहूंगा महल से बाहर चला जा कुछ दिनों पहले भी आपके महल से गहरे मर्द की आवाज आ रही थी और ये बात अगर आपने नहीं बताई तो मैं भाई साहब को जाकर के कहूंगा क्या बकवास करता है अभी मैं तेरे को समझा रही हूँ मांझा मेरा करना वरना अच्छा नहीं होगा नहीं भाभी मैं ये पूछ के रहूंगा कि कौन था महल में कोई भी नहीं था और बहुत बुरा हाल कर दूंगी मैं तेरा और इसी बीच एक बहुत खुशी का समाचार है कि बानसूर से सॉरी जिंदौली से ना गुरुजी जिंदौली से श्रीमान महेंद्र जी उनकी लड़की है ना ये श्रीमान महेंद्र जी की लड़की ज्योति रोकी सॉरी रोकी जिंदौली से श्रीमान महेंद्र जी की लड़की है रोकी जो हाई कोर्ट में वकील लगी है वाह वो अपनी तरफ से आज के इस कार्यक्रम में अपनी इस तरक्की के विषय में बड़ी प्रसन्न होकर के खुश होकर के अपनी तरफ से 21,000 रुपए बाबा के मंदिर में 21,000 रुपए बाबा के मंदिर में भाई एक बार जोरदार तालियां तो हो जाए अच्छी बात है 21,000 रुपए बाबा के मंदिर में 21,000 रुपए बाबा के मंदिर में और गुरुजी के लिए 5100 रुपए की माला गुरुजी के लिए 5100 रुपए की माला 500 रुपए हमारी पार्टी के लिए 500 रुपए पाल 1100 सॉरी 11000 की माला सॉरी माला 21,000 रुपए मंदिर में 21,000 रुपए मंदिर में 11,000 रुपए की माला गुरुजी के लिए 11,000 रुपए की माला गुरुजी के लिए और 500 रुपए हमारी पार्टी के लिए गुरुजी सुपंग कर दो 1100 कर दो देखो जी ये भी बहुत खुशी की बात है गुरुजी हमारे भी कम से कम 1100 रुपए शुभ होते हैं 1100 2100 5100 विक्रम बहुत देर हो गई बकवास करते हुए तेरे को खाना खाना है तो खा ले वरना मेरे महल से बाहर चला जा सुनी मेरी बात कुछ देर पहले कुछ देर पहले वो महल में किशोर था इस महल में किशोर था वो एक गली खड़ी सू विक्रम कोई नहीं और था कुछ देर पहले महल में किशोर था महल में किशोर था एक लिखी सुन विक्रम कोई नहीं और था मन सुन रही थी आवाज सांप क्यों भेद छुपावे तू यो महल पड़ा ले देख जने क्यों बात बढ़ावे तू वो कित छुपा दिया इंसान शान तू नहीं दिखावे तू महल पड़ा से देख जले क्यों बात बढ़ावे तू फिर नहीं री बतावे तू ओ, 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 ओ नहीं री बतावे तू
कोई लुटेरा या चोर था, वो लुटेरा या चोर था, वो एक गली खड़ी सूबिकार कोई नहीं और था। कुछ देर पहले महल में किशोर था, महल में किशोर था, एक गली खड़ी सूबिकार भाभी। विक्रम तेरे को ये समझना चाहिए कि मैं तुम्हारी माता के समान हूँ। बिल्कुल मैं समझता हूँ। नहीं ऐसी बेकी बेकी बातें नहीं करता। ओ तेरी मात बराबर लागू सू क्यों कर रहा दिंग ताड़ा। अच्छा मात बराबर है। बिल्कुल। अच्छा तन कर दिए जुल्म कमाल महल में राखे मर्द बिराना। तन कर दिए जुल्म कमाल महल में राखे मर्द बिराना। तन कर दिए जुल्म कमाल महल में राखे मर्द बिराना। ओ बंद करिए बकवास नास गए चाहिए शरमाना। ओ मैं बालक सुना दान प्यार ते चाहिए समझाना। मैं तो बालक सुना दान प्यार ते चाहिए समझाना। ओ नहीं से तू याना जी हो। ओ नहीं से तू याना मेरे मन में एक ठोर था, अंधेरा ये घोर था, वो एक गली खड़ी सू विक्रम कोई नहीं और था। कुछ देर पहले और था, वो महल में किशोर था, एक गली खड़ी सू विक्रम कोई नहीं और। हेलो 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 क्या बात है भी? आपको पता है कि हम न्याय करने वाले हैं। मेरा भाई का झंडा ऊपर शिखर पर है, क्यों है कि वो न्याय करता है, लेकिन अपने घर में अन्याय होगा तो कैसे बर्दाश्त रहेगी। पता नहीं तेरे को कहां से अन्याय अन्याय की बातें आ रही है। सुनिए हम क्षत्रिय राजपूत जात के क्यों पट्टा लावे। यो महल पड़ा ले देख जड़े क्यों ज्यादा बात बढ़ावे। यो महल पड़ा ले देख जड़े तू ज्यादा बात बढ़ावे। हंसा की बनी कतार नार क्यों जड़ में काग बिठावे। वो तेरे कीड़े पड़ के मरे दुष्ट मेरे झूठा दोष लगावे। वो तेरे कीड़े पड़ के मरे दुष्ट मेरे झूठा दोष लगावे। और नहीं जी बतावे अच्छा ने चढ़ावे तेरा पहले भी यो त्योर था। ये पहले भी यो त्योर था। वो एक गली खड़ी सू कोई नहीं और था। कुछ देर पहले वो महल में किशोर था, महल में किशोर था, वो एक गली खड़ी सू विक्रम। भाई को पता चल गई तो तेरे साथ क्या हो सकता है तेरे को मालूम नहीं। क्या हो सकता है? तेरे भाई नखे देगा तो फांसी पे टूटेगा। वो तू परी से जो गड़ा पाप का एक दिन फूटेगा। तू परी से जो गड़ा पाप का एक दिन फूटेगा। वो तो मारा जाके मौत जान के विष ने घूटेगा। वो श्वास चंद्र ना छुपे भरम का पर्दा उठेगा। श्वास चंद्र ना छुपे भरम का वो पर्दा उठेगा। वो टूटेगा भरम जो मेरा, टूटेगा भरम जो मेरे दिल में एक ठोर था, वो दिल में एक ठोर था। अरे ये गली खड़ी सो कोई नहीं हो।
देखे विक्रम, हाँ तेरे भाई ने खदेगा तो फांसी पे टूटेगा, और भाभी भर नहीं सज्जो गड़ा पाप का एक दिन फूटेगा, क्योंकि ईश्वर के देर, ईश्वर के घर पे देर है, अंधेर नहीं है। वो मारा जा बेमौत जान के विष्ण घुटेगा, सुभाष चंद्र ना छुपे भ्रम का पर्दा उठेगा, एक ना एक रोज ये पर्दा सामने आएगा। अगर तेरे को खाना खाना है तो खा ले, वरना मेरे महल से चला जाए। आप मुझे बताइए कौन था? नहीं मानता भाई, पानी में पड़ता तो बुलबुला तो ऊपर आओगे कदन कदन। अगर नहीं मानता तो निकल महल से बाहर, और मैं तो बुलाऊंगी तेरे के दर्द में बुलाऊंगी, तो जा ये तैयार और ले जाए भाई आके, चला जा मेरे महल से। क्या करना चाहिए सजनो? अगर ये राज इस महल में रह गया तो आगे जाकर के बहुत बड़ा अन्याय भी हो सकता है, चलना चाहिए भाई साहब को कहना चाहिए, बताना चाहिए। विक्रम चल करके उस महल से निकल जाता है और सीधा महाराज ग्राम नानसी नारायण जी पंच साहब 100 रुपए से अपनी पार्टी का मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ग्राम ढाकोड़ा से राम स्वरूप जी, वो भी 100 रुपए से अपने बच्चों को। मन ही मन में सोच गया देर जरा सी ना करी, भाई के धोरे पहुंच गया। भाई साहब मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कौन विक्रम? हाँ भाई साहब, भाई साहब आप अपना क्या हाल बना रखे हो, हरदम नशे में चूर रहते हो, आपको अपनी प्रजा का, आपको अपने राज्य का कोई ख्याल नहीं है महाराज? क्या ख्याल, क्या ख्याल नहीं है विक्रम? महाराज कुछ भी ख्याल नहीं है, आप तो हरदम नशे में रहते हो। नशे में रहता हूँ? नहीं, सारा ख्याल रखता हूँ, जनता का भी नहीं, महल नहीं। का भी, राज का भी नहीं। महाराज आज राजा इस दारू को छोड़िए। अरे नहीं विक्रम, मैं आपको बातें बताता हूँ कि आपके राज्य में, आपके सानिध्य में क्या क्या होता है। मेरे राज्य में आज एक बड़ा चुंबा देखा है मैंने। राजा हथकड़ी लेने लगा भाई, हथकड़ी। सुनिए भाई, मेरे राज में क्या देखा तूने? सुनिए क्या गड़बड़ है राज में? सब कुछ तो सही है, कुछ सही नहीं भाई। देखिए विक्रम मेरे भाई, राज में कोई कमी नहीं, सारी प्रजा सुख चैन से है। नहीं भाई, साधु संतों का समागम है, बाबा का भंडारा चल रहा है, कोई कमी नहीं राज में, सब बढ़िया। ये महाराज ये सब आपका आदर सम्मान करते हैं, फिर लेकिन आप, आपके राज्य में जो मैंने देखा है, क्या देखा है सुनिए महाराज। बताइए क्या देखा तुमने? तो के कहूं पीर मेरे हो लग्या तीर इस जलरी से काया, हो सितम ईशा देख के आया। ओ के कहूं रे वीर मेरे लग्या तीर इस जलरी से काया, सितम ईशा देख के आया। सुनिए भाई, भारी वो भारी जुल्म कमाल देख के सोती के मागात नहीं, भारी जुल्म कमाल देख के सोती के मागात नहीं, वो तेरे सामने मुंह खोलू इतनी मेरी औखात नहीं, तेरे सामने मुंह खोलू इतनी मेरी औखात नहीं, वो खानदान के बट्टा लावे या कहने की बात नहीं, खानदान के बट्टा लावे या कहने की बात नहीं, या सारी दुनिया कया करे से गऊ गधे का साथ नहीं, सारी दुनिया कया करे से गऊ गधे का साथ नहीं, निर्भाग बनी के हो कहूं धनी ना हो जाता बतलाया, सितम ईशा देख के आया के कहूं रे वीर मेरे लाग्या तीर इसी जनवी से काया, सितम ईशा देख के आया। और ये ढाकोड़ा से
परम धाम जो ढाकोड़ा में है, धाम बाबा गोवर्धन दास जी महाराज का, जहाँ बहुत बड़ा विशाल मेला लगता है, 125,000 रुपए की तो कुश्तियां होती हैं वहां पर। वहां से महंत हमारे पूज्य गुरुजी राम नरेश दास जी महाराज, उनकी तरफ से 500 रुपए आशीर्वाद मिलता है। अब आशीर्वाद तो गुरु जी से हम ही चाहते हैं। बहुत उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ती देखी मन्ने आज भाई, उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ती देखी मन्ने आज भाई, वो शेर की गुफा में गदड़ दे रहा आवाज भाई, शेर की गुफा में गदड़ दे रहा आवाज भाई, वो डूबता देखा समने धर्म का यो जाज भाई, डूबता देखा समने धर्म का जहाज भाई, और जिसने सोना कहा करे था मांडू बता दे कैसे मन में धर्म का यो जहाज भाई, वो ठोकरा में रुलता देखा मस्तक आला ताज भाई, ठोकरा में रुलता देखा मस्तक आला ताज भाई, कहूं बोली ना हम बाटा तोल इसी रचना की माया, हंसी तम ईशा देख के एक अचुंबा देखा मैंने, क्या देख लिया वो फिरता देखा बुगला मन ने बुलबुल आले बाग में, फिरता देखा बुगला मन ने बुलबुल आले बाग में, वो उल्लू भी सुर भरता देखा कोयले आले राग में, उल्लू भी सुर भरता देखा कोयले आले राग में, वो हंसनी की सुरती मन ने देखी काले काग में, हंसनी की सुरती लगी देखी काले काग में, फिर जिसने सोना कहा करे था उसके देखा दाग में, जिसने सोना कहा करे था उसके देखा दाग में, वो जिसने सोना कहा करे था उसके देखा भाग में, ओ निर्वाग बनी के ओ कहूं धनी ना जाता बतलाया, ओ सितमी ईशा देख के आया, ये गाँव रे वीर मेरे लगा तीर मेरी जलनी से काया, सितमी ईशा देख के आया। और भाई क्या, और एक बात और देखी है, ओ नौकरोड़ी लाल मन ने रुलता देखा रेत में, नौकरोड़ी लाल मन ने रुलता देखा रेत में, वो खेत का आवारा डोर जंगल का आवारा डोर चरता देखा खेत में, जंगल का आवारा डोर चरता देखा खेत में, वो बुरा मत बुरा मानिए मत ना भाई कह रहा अपने हेत में, बुरा मानिए मत ना भाई कह रहा अपने हेत में, तो सुभाष चंद्रिया भीड़ पड़ेगी रहिए भाई चेत में, सुभाष चंद्रिया भीड़ पड़ेगी रहिए भाई चेत में, गुरु बिरजुनाथ धरो आशीष हाथ सरी चरणों में लाया, हो सितम ईशा देख के भाई। आपको कुछ समझ में आई कि मैं क्या कहना चाहता हूं? कह रहा है तू, देखिए मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आया, तू क्या क्या बोल गया, क्या क्या कह गया। कह रहा था कि भारी जुल्म कमाल देख के काबू के मांगात नहीं, तेरे सामने मुंह खोलूं इतनी मेरी औकात नहीं,
सारी दुनिया कहा करे से गऊ गधे का साथ नहीं और खानदान के बट्टा लगे न्यू कहने की बात नहीं। बिल्कुल, ये खानदान के बट्टा लगे कौन लगा रहा अपने खानदान को बट्टा? तू अपने रास्ते पे चलता, मैं अपने रास्ते पे चलता, एक कदम गलत नहीं रखते, फिर खानदान को बट्टा कैसे लग जाएगा? कौन लगाएगा हमारे खानदान को बट्टा? भाई साहब पानी गेर गेर के पैक लेने लागो भाई। एक बात और तूने कही, वो उसका भी कोई मजबून समझ में नहीं आया। उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ती देखी मन आज भाई, शेर की गुफा में स्याल दे रहा आवाज भाई, ये कुछ समझ में नहीं आया। ठोकरा मरलता देखा मस्तक अड़ा ताज भाई, अरे मेरे ताज को ठोकर कौन लगाएगा? कैसे ताज मेरा रेत में रल जाएगा? भाई साहब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आज भाभी के महल में किसी गैर मर्द की आवाज सुनी है। गैर मर्द की आवाज जी? अरे मेरे भाई वो तेरी भाभी है पिंगला, वो पति भरता है। नहीं भाई, सत्य धर्म को जानने वाली है वो, खरा सोना है। नहीं भाई मैं जानता हूँ, और तने के गया। लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देखा है। अभी तूने कहा कि फिरता देखा बुगला मन्ना बुलबुल आड़े बाग में, उल्लू भीश्वर भरता देखा कोयल आड़े राग में, हंसणी की सुरती लागी देखी काले काग में, और जिसने सोना कया करे था उसके देखा दाग में। निर्वाहक बनी के कहूं घणी ना जाता बतलाया। अरे वो पिंगला और निर्वाहक विक्रम जी भाई, ये वही पिंगला है, वही तेरी भाभी है जिसने मेरे मरने की खबर सुनते ही प्राण त्याग दिए थे। मुझे पता है, लेकिन भाई साहब हाँ मैं इस बात को नहीं मानना चाहता। नहीं मानता जी? नहीं। तूने ऐसा कुछ देखा है? जी बिल्कुल नहीं। तूने देखा कुछ नहीं? तूने देखा कुछ नहीं, और कह रहा था कि नौ करोड़ी लाल मना रड़ता देखा रेत में, रेत में जंगल का आवारा ढोर चरता देखा खेत में, खेत में बुरा मानिए मतना भाई कह रहा हूं अपने हित में, कहे सुभाष चंद्र या भीत पड़ेगी तो रहिए भाई चेत में, गुरु बिरजुनाथ धरो शीश हाथ, सर चरणों में नाया सितम ईशा देख के आया। भाई जिसे आप पतिव्रता समझते हैं, हाँ जिसे सत्य धर्म पर चलने वाली समझते हैं जी, वो पतिव्रता नहीं है भाई। मैं समझ गया विक्रम। अरे एक परिंडा का मां दो भांडा होया कर, वे भिड़ जाया करे आपस का, तू और तेरी भाभी दोनों महल के अंदर रहते हो, और तारी दोनों में की कोई छोटी मोटी बात पे बिगड़ गई होगी देवर भाभी की। भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, अगर छोटी बात होती तो मैं आपको नहीं बताता। मैं जानता हूँ तुम बालक है, नादान है, तेरा गुस्सा उठ गया, तय कोई गलती कर दी होगी, तेरे भाभी ने कही तेरे को बुरी भली बात कह दी होगी, तू गुस्सा करके। नहीं नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं पिंगला के बारे में क्या कहना चाहता हूँ, सुनिए मेरी बात। तुम थोड़ा थोड़ा गा जाओ, ये बीर बनी भी छाया में बैठ जाएंगी। हेलो इस साइड में जो सजन बैठे हैं उरन आ जाओ, और माता बने उर राजा सी। ये उस्ताद चाय पी रहे हैं, उस्ताद लोग चाय पी रहे हैं, जब तक ये जो दान दाताओं के नाम आ रहे हैं।